हेलो फ्रेंड्स, मैं जयप्रकाश आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जे प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोपोर्शनल वॉल। ठीक है, प्रोपोर्शनल वॉल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, ये अपना जो नॉर्मल डीसी वॉल है उससे किस तरह अलग है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर प्रोपोर्शनल वॉल की ज़रूरत क्यों है, हमारे पास नॉर्मल अपना डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है तो इसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल से। ठीक, तो ये सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसका सिम्बॉल ये सब देखेंगे, इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ये सब जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, ठीक है, और ये हमारा प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ठीक, अभी क्या है, और जो नॉर्मल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, जैसे कि ये हमारा दो बोथ साइड सनलाइट ऑपरेटेड, ठीक है, सारा काम सनलाइट का ही है इसमें। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल वाला सनलाइट है ये कैसा है, हमारा चलते हैं ये सब का, हम इस पर करंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वो एसी करंट या फिर डीसी करंट। ठीक, अब इसमें एसी करंट में हो जाता है अपना, जैसे पहले डीसी करंट लेते हैं, डीसी करंट में या तो 12 वोल्ट डीसी देते हैं या फिर 24 वोल्ट डीसी देते हैं। ठीक, और एसी करंट में हम देते हैं 110 वोल्ट एसी या फिर 220 वोल्ट एसी। ठीक, सप्लाई इसमें देते हैं। अभी क्या है कि एसी करंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एसी करंट में क्या दिक्कत है कि जब हमारा ये देखिए, अब हमें अगर ये जो ये आइडल कंडीशन में है, ठीक है, अब इसमें सप्लाई नहीं दे रहा है, तो जब हम इसमें एसी करंट देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो क्या होगा कि ये प्लंजर हमारा इस साइड से इस साइड मूव होगा, लेकिन इसको इस साइड से इस साइड मूव करने के लिए इनिशियल में ये बहुत ज़्यादा हेवी करंट लेगा। ठीक है, हेवी एम्पियर ऑफ करंट लेगा, जिसकी वजह से कॉइल हीट होती है। ठीक, जब ये आइडल कंडीशन में है तो आइडल से इसको पुश करने के लिए, उसको स्लाइड करने के लिए प्लंजर को आइडल में, इसको काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है। और एक बार जब ये स्पूल पुश कर दिया इसने प्लंजर ने, तो उसका जिसको उसको होल्ड करने के लिए ये कम करंट लेता है, तो एकदम से करंट ज़्यादा लेगा। ठीक, आइडल से इसको पुश करने में, और एक बार जब होल्ड कर दिया उसने स्पूल को अपने पोजीशन में, तो लो करंट लेगा। ठीक, तो अगर इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर ये लो हाई तो ले रहा है, स्पूल अपना मूव हो गया, लेकिन अगर इसमें कचरा रहा, ठीक, अगर इसमें डर्ट पार्टिकल कोई आ गया, कोई डस्ट वगैरह इसमें आ गया, कचरा आ गया, और ये स्पूल हमारा मूव नहीं हुआ, अब क्योंकि ये एकदम से हाई करंट ले रहा है स्टार्टिंग में, ठीक, तो अगर स्पूल हमारा स्टक हो गया तो फिर हमारा कॉइल बस्ट हो जाएगा, जल जाएगा हीट होके, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एम्पियर ऑफ करंट ले रहा है। इसलिए अभी डीसी का जो हमारा डीसी है, ठीक है, अब डीसी करंट का क्या है कि 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, तो डीसी करंट क्या है कि सेम करंट लेता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा लेगा प्लंजर को मूव करने के लिए और होल्ड करने के लिए फिर कम लेगा, ऐसा नहीं है, जितना उसको प्लंजर को मूव करने के लिए लेगा, होल्ड करने के लिए उतने करंट लेगा, तो ये स्टेडी लेता है, स्टेडी करंट लेता है। ठीक, फ्लक्चुएट नहीं करता है एसी की तरह, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारा डीसी करंट। ठीक, एसी से, इसलिए डीसी करंट वाला, डीसी वाले जो डायरेक्शन कंट्रोल वाला है, वो हम लोग मोबाइल क्रेन में या फिर इतने जो भी जितनी मशीनरी है इसमें ज़्यादातर हम लोग डीसी वाले यूज़ करते हैं इसकी वजह से। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा नॉर्मल डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। ठीक, अब इसमें क्या है कि जब हम इसको सप्लाई देंगे, एसी दें या डीसी दें, ठीक है, तो डीसी पकड़ते हैं पहले, ठीक है, डीसी देखते हैं। तो डीसी में क्या, जैसे हमने 24 वोल्ट डीसी दिया इसको, तो ये हमारा स्पूल मूव करेगा, तो इसमें क्या है, दो ही पोजीशन होती है, या तो ओपन है हमारा सिलेंडर, अगर वर्क कर रहा है, हमारा काम चल रहा है, अगर फ्लो जा रहा है तो उसको फुल्ली ब्लॉक कर देगा, अगर बंद है तो फुल्ली ओपन कर देगा। ठीक, या तो ओपन या तो क्लोज, ये दो ही चीज़ करेगा, ऐसा नहीं है कि भाई ओपन है तो फिर उसको, या क्लोज है तो हाफ उसको ओपन करे, ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें कोई इंटरमीडिएट इसमें पोजीशन नहीं लेता है, ये फुल्ली या तो ओपन करेगा या तो क्लोज करेगा इसको, इसलिए इसको ज़्यादातर ऑन ऑफ वॉल भी बोलते हैं सीधे, ये तो सीधा ऑन करेगा ऑफ, ठीक है, अगर ऑफ है तो, अगर ऑफ है तो ऑन करेगा। ठीक, ये फुल जो प्रेशर है ये सीधा प्रेशर ए में देगा या फिर बी में देगा, फुल्ली प्रेशर एकदम, जैसे इसको सप्लाई आप ऑन करेंगे, ठीक है, जिस साइड के सनलाइट ऑपरेट करेंगे उसी हिसाब से ये पूरा फुल्ली प्रेशर देगा ए या बी में। ठीक, लेकिन अब इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल वॉल में क्या है कि प्रोपोर्शनल वॉल में
हम जो सोलनॉइड को जो सप्लाई देंगे ठीक, उसको हम कंट्रोल करके देते हैं ठीक। ये देखिए इसमें एरो में आपको ये एरो दिख रहा है सोलनॉइड में, इसका मतलब ये वेरी कर सकते हैं ठीक। तो आप इसको कंट्रोल वे में देंगे, उतना करंट देंगे जितना इसको मूव कराना है ठीक है। हमारे एक्चुएटर या हमारा जो मोटर है जो रन कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ाना है। अब इसकी स्पूल को हल्का सा करंट ज़्यादा देंगे, ये ज़्यादा अपना ये जो पोर्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल फ्लो कराने लगेगा ठीक है, और हमारा स्पीड बढ़ जाएगा या फिर एक्चुएटर का स्पीड बढ़ जाएगा हमारा जो सिलेंडर है ठीक। और यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर इसको ओपन है या फिर इतना चाहिए कि एकदम नॉर्मल स्पीड रहे ठीक है, हमें इनफाइनाइट पोजीशन मिलेगी इसमें ठीक है। इस साइड सप्लाई दीजिए, इस साइड सप्लाई दीजिए, या तो आगे करेगा या तो पीछे करेगा, तो हमें इनफाइनाइट पोजीशन का ये इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे इसमें रेगुलेट करके हम दे सकते हैं करंट को। जितना देंगे 10% हमें ओपन करना है समझिए पोर्ट को, तो उतना ही करंट देंगे कि 10% ओपन हो ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, फ्लो को भी कंट्रोल करता है ठीक, और स्पीड को भी कंट्रोल करता है हमारे मोटर को या फिर एक्चुएटर के ना, ये प्रेशर फ्लो और स्पीड ये सबको कंट्रोल करता है ठीक। और इसमें देखिए ये जो वी, ये जो कट जैसे बने हुए इसमें, इसको वी नॉच बोलते हैं, यू शेप के भी आते हैं ठीक। तो ये दिया होता है ताकि जल्दी से जल्दी जैसे ही हम इसको सप्लाई दें तो जल्द से जल्द सप्लाई देते ही ऑयल हमारा वहाँ जाना चाहिए जिस पोर्ट में हमें देना है, तो उसके लिए ये वी नॉच बने होते हैं, नॉर्मल वाले में तो नहीं बने होते हैं ठीक है। तो इसमें ये बने होते हैं ताकि हमारा जल्दी से जल्दी हमारा जो ऑयल है वो जिस जहाँ हमें भेजना है वहाँ जल्दी से जल्दी जाए ठीक, डिले ना करें ठीक है। इसमें इस तरह के भी आते हैं सिंबल, देखिए ये जो हमने सोलनॉइड कंट्रोल पायलट ऑपरेटेड देखा था अपने पिछली वीडियो में, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये देखिए ये सेम उसके जैसा है, इसमें वेरिएबल का निशान हो गया, उसमें अगर आप वेरी करके देंगे करंट तो वो भी बन जाएगा प्रोपोर्शनल वाला ठीक है। अगर उस पर एरो का निशान मार देते तो प्रोपोर्शनल का हो जाता है। ये देखिए इसमें LVDT ठीक है, इसके बारे में बताएंगे आपको ये क्या है LVDT ठीक है। चलिए आगे इसका देखते हैं। अब इसमें देखिए इसमें ओपन लूप और क्लोज लूप, ज़्यादातर तो इसमें तो अभी तक ओपन लूप ही आते थे, अब से ये क्लोज लूप के भी आने लगे हैं ठीक है। इसमें मॉडिफिकेशन के बाद इसमें अब क्लोज लूप के भी आते हैं, लेकिन हम इसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं ओपन लूप के लिए। क्लोज लूप के लिए हम ये सर्वो मोटर का यूज़ कर लेते हैं ठीक है, उसके बारे में अगला वीडियो हम उसी भी बनाने वाले हैं ठीक है, सर्वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के ऊपर ठीक। तो ये हमारा मेनली ओपन लूप सिस्टम पे ही काम करता है ठीक है। हम जो भी इसको सप्लाई देंगे ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे पूरा, और इसमें ये सारा देखेंगे इसका ठीक। देखिए जहाँ हम इसको जितना हम इसको सप्लाई देंगे ये उतना ही मूव करेगा ठीक, उतना ही इसको मूव करेगा। और ये देखिए यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल वे में देगा, ये जो आपको थ्रोटल वाल्व दिख रहा है इसमें ठीक, इसका मतलब है कि ये इसको कंट्रोल वे में देगा। इसका साइन देखिए, अगर आपको प्रोपोर्शनल वाल्व अगर एरो है एरो से समझ में आ जाएगा कि ये प्रोपोर्शनल वॉल है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, और नहीं तो फिर ये स्लीव भी दिया रहता है इसमें। ये देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे जो लाइन दी हुई है ठीक, इसका मतलब ये इनफाइनाइट पोजीशन चेंज कर सकता है, ये दोनों लाइन का ये मतलब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन या ऑफ होगा, दो ही पोजीशन नहीं, ये बीच में कितने भी पोजीशन ले सकता है ठीक। 1 mm आगे करना है 1 mm आगे होगा, 2 mm करना है 2 mm होगा, जितना करना है अपने को उतना करना है ठीक। अगर हमारा 50 लीटर पर मिनट का पंप का फ्लो आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारा आगे जाके, जैसे कि हम थ्रोटल वाल्व का यूज़ करते थे, तो ये वो सब चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, वो सब चीज़ का काम ये खुद ही कर लेता है ठीक है। थ्रोटल वाल्व का काम कर लेगा, जैसे हमारा प्रेशर कंट्रोल कर लेगा ठीक, तो ये सब चीज़ का काम ये कर लेता है ठीक है। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं आपको, तो ये सब चीज़ों को वो एलिमिनेट कर देता है ठीक, फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया ये सबको एलिमिनेट कर देता है, ये खुद ही ये सब सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेता है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ठीक है प्रोपोर्शनल वाला, ये इसके बारे में हमने आपको पहले भी अपने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया हुआ था ठीक है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में इसके सारे पार्ट्स के नाम वगैरह सब बताए होते हैं उसमें भी ठीक है। ये देखिए एक बार फिर बताते हैं, ये हमारा प्लंजर हो गया ठीक है, ये हमारा पुश पिन, ये हमारा कॉइल ठीक, ये ऊपर नीचे कॉइल, ये पूरा सोलनॉइड हमारा ठीक। ये भी ये हमारा मैनुअल ओवरराइड, ये हमारा दोनों साइड में सेंटर में रखने के लिए स्पूल को, ये दोनों साइड में स्प्रिंग हो गया, ये हमारा स्पूल ठीक। अब देखिए इसमें क्या है प्रोपोर्शनल वाला, अब इसमें हम उसको
फ्लो जो हमारा कंट्रोल जो हमारा करंट है उसको डीसी करंट है या फिर एसी करंट है उसको अगर हम रेगुलेट करके देंगे, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से एकदम हल्का सा हमारा जो स्पूल है वो मूव करे, जिससे हमारा जो सिलेंडर का या फिर मोटर का जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले करते थे फ्लो कंट्रोल वाल्व का यूज़, अब सीधा यहीं से कर लो आप, उसको उतना ही करंट दीजिए ताकि 10% करंट दीजिए उतना मूव करेगा, अगर इसको फुल्ली ओपन करना है तो पूरा 100% दे दीजिए, 24 वोल्ट पे चल रहा तो पूरा फुल 24 वोल्ट दे दीजिए, ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से आप उसको दीजिए, ये उतना ही मूव करेगा, ठीक। तो ये हमको फैसिलिटी मिलता है। अब नॉर्मल वाले में क्या हो रहा था, नॉर्मल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में, कि वो क्या करता है कि जैसे ही हम उसको सप्लाई देते हैं, अगर 24 वोल्ट पे चल रहा है तो 0 से सीधा 24 वोल्ट उसको मिलेगा, ठीक, वो सीधा ओपन, अगर क्लोज है तो सीधा ओपन होगा और उससे हमारा जो सीधा क्या होगा कि हाई प्रेशर जो था वो सीधा एक झटके में हमारे सिलेंडर में चल जाएगा। अब वो झटके से जाएगा तो पूरा सिस्टम में हमारा एक शॉक की तरह क्रिएट होता है। अगर आप कभी होस को अगर पकड़ेंगे, जो पाइप से रहते हैं अगर उसको पकड़ेंगे हमारे सिलेंडर के, तो देखिएगा आप जैसे ही उसको ऑपरेट करेंगे तो उसमें एक झटके की तरह लगता है, तो वो हमारे वो हम जो हमारे पूरा ये करता है, हमारे इससे एक शॉक क्रिएट करता है हमारे पूरे होस में, तो उससे उसके लाइफ जो है रिड्यूस होती है। लेकिन ये क्या है कि हमारे कंपोनेंट की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ शॉक क्रिएट नहीं करता है, ये हमारे पूरे सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम में ये शॉक क्रिएट नहीं करता है, लेकिन उससे क्या होता है एक झटका लगता है एकदम से, क्योंकि पूरा ओपन रहता है और जैसे ही उसका सप्लाई देंगे वो सीधा ओपन से क्लोज से ओपन कर देगा, तो एक झटके में ऑयल सीधा वहाँ जाएगा, इससे शॉक क्रिएट होता है और हमारा लाइफ कम होता है कंपोनेंट की, ठीक, और ये लाइफ को इम्प्रूव करता है, ये ग्रेजुअली मूव करता है जितना आपको इसको सप्लाई देंगे। इसका सीधा एक एक ही काम है कि जितना आप इसको सप्लाई देंगे ये उतना ही मूव करेगा स्पूल को और उतना ही काम करेगा, ठीक। ये आपको LVDT इसका मतलब होता है कि ये इसमें देखिए ये भी आता है, अभी जो नए आते हैं उसमें आपको, अभी देखिए ये जो क्लोज लूप वाले जो आ रहे हैं अभी अभी प्रोपोर्शनल वॉल, ठीक है, उसमें इस तरह का फीडबैक सिस्टम भी दिया होता है, ठीक, क्लोज लूप में ये इसके जगह, लेकिन क्लोज लूप में अगर हाईली एक्यूरेट अगर चाहिए तो उसके लिए हम सर्वो वॉल्व यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है, ठीक, हाई प्रेशर हाई फ्लो में ये उतना सही काम नहीं करता है, लेकिन सर्वो वॉल्व है वो ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, सर्वो वॉल्व के ऊपर, इसलिए हम ज़्यादातर इसको ओपन यूज इसमें काम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले से बेहतर ये है और इससे बेहतर है हमारा सर्वो वॉल्व, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये उससे थोड़ा एक्सपेंसिव, नॉर्मल वाले से थोड़ा एक्सपेंसिव ये होता है और इससे एक्सपेंसिव उतना सर्वो वॉल्व होगा, ठीक है, जितना फीचर्स बढ़ेगा उतना महंगा होता जाएगा। ये देखिए ये है अपना LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये क्या करेगा हमारा जो स्पूल ही है, ये स्पूल है, ये स्पूल जब मूव करेगा क्लोज सिस्टम में, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम है, ये फीडबैक इसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ इसमें क्या था कि हमने इसको सप्लाई दिया तब ये उतना मूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हमने सप्लाई तो दे दिया लेकिन जो सप्लाई दिया था उस हिसाब से हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, हमारा वो जो काम करना था वो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो ये चीज़ ये करता है, ये फीडबैक उसको बताता है कि नहीं अभी इसमें थोड़ा एरर है, ठीक, अभी इतना नहीं हुआ, इसमें थोड़ा और सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, उसको कैलकुलेट करके पूरा फिर उसको काम करता है, ठीक। तो ये इस तरह से ये क्लोज वाला, बस इसकी एक्यूरेसी थोड़ी लो रहती है सर्वो से, ठीक, ये स्पूल के मूवमेंट को यहाँ से देखिए ये कैलकुलेट करेगा और उससे हिसाब से इसको फीडबैक देगा, ठीक, लेकिन ये ज़्यादातर हम ओपन में यूज़ करते हैं। ये देखिए हमारा एम्पलीफायर, ये इसका फीडबैक सिस्टम, ये जाएगा सीधा हमारा प्रोपोर्शनल सोलनॉइड को जाएगा और इससे पुश पिन को पुश करेगा और ये सब स्पूल हमारा मूव करेगा। और जो क्लोज लूप का मैं आपको बता रहा था, देखिए क्लोज लूप में ये हमारा एक्चुएटर से फीडबैक लेता है, एक्चुएटर में हमारे जो सेंसर लगे रहते हैं, ठीक, वहाँ से फीडबैक लेता है और ये अपना फीडबैक कैलकुलेट करके फिर ये सर्वो वॉल्व में आपको हम बताएंगे, ठीक, जब सर्वो वॉल्व बताएंगे तब उसमें देखेंगे सर्वो वॉल्व में, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा इसमें ये उतना फास्ट, ये फास्ट भी मूव करता है, ठीक, हमारा जो नॉर्मल वाला जो है, ठीक, नॉर्मल वाला जो डायरेक्शन कंट्रोल वाला है उसको देखिए वो कितना लैप कर रहा है, ठीक है, ये जो इसका ये जो लैंडिंग एरिया है ये वाला नीचे वाला, ठीक, उसमें स्पूल देखिए ये पोर्ट को
पोर्ट के कितना इधर है और कितना उधर है, ठीक है। ये देखिए ये इतना ज़्यादा इधर और उधर उस साइड में है, पूरा क्लोज करके रखा है। यहाँ देखिए हल्का सही है, ये देख रहे हैं आप, ये हल्का सही है यहाँ पे, ठीक है। इसने पोर्ट को हल्का सा इस साइड और इस साइड है, ताकि जैसी इसको ये क्यों है कि जैसी इसको सप्लाई मिलेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ अगर नॉर्मल वाले में आप इसको सप्लाई देंगे तो इतना इसका इतना वेस्ट जाएगा, इतना टाइम, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स टाइम है इतना, क्योंकि अभी ये इतना मूव करेगा उसके बाद फिर ये खुलेगा। यहाँ कैसा है, इसको जैसे हल्का सा भी करंट मिलेगा, ये हल्का सा ही इसका है, ये फट से मूव कर देगा, अपना फ्लो जाना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा पाथ कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इसका है, ये सर्वो वाल्व का है, सर्वो वाल्व का बताएंगे, सर्वो वाल्व में बताएंगे आपको ये, ठीक है। तो ये सब रहते हैं, ठीक है, जीरो लैप, ओवर लैप और ये वाला, ठीक। तो ये वाला हमारा इसका है, प्रोपोर्शनल वाल्व का है, ये थोड़ा फास्ट मूव करता है, रिस्पॉन्स टाइम इसका ज़्यादा रहता है, ठीक। लेकिन ये नॉर्मल वाले से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और ये इसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई है। अब देखते हैं कि नॉर्मल और क्लोज वाले में क्या क्या डिफरेंस है, जो जो हमने बताया इसका, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है डिफरेंस दोनों का, ठीक है। ये सारे हमने कवर कर लिए हैं, आप इसे रोक कर देख भी सकते हैं, ये सारा हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हो तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।